नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम भरतपुर में हैं। मेरे साथ डीडी शर्मा जी हैं। नमस्कार, मैं डीडी शर्मा। नमस्कार शर्मा जी, बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, नेचर लवर हैं। कितने साल हो गए आपको बर्ड फोटोग्राफी करते? 42 साल हो गए सर। अच्छा, फैंटास्टिक। हुआ क्या, आज मॉर्निंग में हम ना बर्ड सेंचुरी गए थे सुबह लगभग 7:15 बजे, लेकिन तब ना बरसात तेज चल रही थी। तो अब फिलहाल आप देख लो, बरसात ये थमी तो नहीं है लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम हो गई है। तो हमें शर्मा जी ने सजेस्ट किया कि काम करो, पहले चल के आप नाश्ता कर लो, तब तक थोड़ा मौसम भी खुल जाएगा और उसके बाद हम नेशनल पार्क चलेंगे। ये देवीराम कचौरी वाले करीब 50-60 साल से कचौरी की दुकान करते हैं। हाँ। तो आप यहाँ कचौरी का आनंद लें और ये फेमस है, आप देखें। भैया हमारे को आप एक एक प्लेट दोनों को दे दीजिए। थैंक्स। ये कि हल्की है, आमतौर पे कचौड़ी दो खाली तो बहुत हो जाता है, लेकिन ये दो तो नहीं, ये काफ़ी है। इस कचौड़ी में ना दो चीज़ें खास हैं, एक तो मसाले ना के बराबर और उसकी वजह से हल्की है। चलो सही है, ठीक है। अभी हम इसको फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ पर हमने देवीराम पे कचौड़ी खाई, वहाँ से अभी हम 300 मीटर आगे आए एक और शॉप पे कचौड़ी खाने के लिए। इस एरिया को क्या बोलते हैं जाएं? ये भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर है और सबसे व्यस्त चौराहा है। अभी बरसात है और 8:30 का टाइम है, इसलिए अपन गाड़ी से आ चुके यहाँ। बाकी यहाँ अपन दिन में इतना ज़्यादा व्यस्त भीड़ होती है कि अपन सिर्फ बैटरी रिक्शा से आ सकते हैं और हम यहाँ गोपाल की कचौड़ी खाने आए हुए हैं। गोपाल कचौड़ी की शॉप कहाँ पर है? ये बिल्कुल पीछे गोपाल कचौड़ी। अच्छा, सामने। यस, आइए जी, वहाँ चलते हैं। कचौड़ी और आलू की सब्जी देख के लग रहा है कि ये मसालेदार है आलू की सब्जी। आपके पास आलू की कचौड़ी भी होती है, दाल की भी होती है और प्याज की भी होती है? सही है। मज़ा, कचौड़ी तो मज़ेदार है, एकदम सस्ता टेस्ट है। कचौड़ी कब तक मिलती है? 7 से 12। वेरी गुड। यहाँ की गोपाल की कचौड़ी खाना एक उत्सव होता है। हमारे जो दोस्त, हमारे बच्चे जयपुर से आते हैं तो स्पेशली कहते हैं गोपाल की कचौड़ी खाएंगे, केवल उत्सव के रूप में ये कचौड़ी। एक काम करेंगे, कचौड़ी के बाद ना थोड़ा सा जलेबी भी ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे। भैया थोड़ी सी सब्जी और दे दो। वैसे एक बात है, कचौड़ी खा के स्वाद तो आ गया, टेस्टी, बहुत टेस्टी। वाकई लग रहा है मसालेदार कचौड़ी खाई और गुड। ये जलेबी है, इसमें से जलेबी में ना थोड़ी सब्जी डालकर भी बहुत थोड़ी टेस्ट किया जा सकता है। बस भैया वाली साहब, शुरू में मेरे को अटपटा लग रहा था, लेकिन जब मैंने जलेबी और सब्जी मिक्स करके टेस्ट किया, मुझे इतना जरूर लगा बड़ा यूनिक टेस्ट है। एकदम गर्म खाली थी वो सब्जी, इसलिए अदरवाइज तो टेस्ट अलग है। हाँ, ये अलग चीज है, अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। कुल मिला के भाई साहब, मैं तो सीरियसली बहुत इम्प्रेस हूँ यहाँ के स्वाद से। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है अभी तो आपने वो रही आलू वाली। अच्छा, अभी आपने केवल प्याज की तो खाई नहीं है, प्याज की और लो आप, पेट भर गया मेरा। मैं आज रुक रहा होता ना तो कल दोबारा आ जाता। गुड। पाँच मिनट का सफर करके हम कोतवाली चौराहे के पास आए हैं। यहाँ पर इस एरिया में 3 से 4 फेमस मिठाई की दुकान है।
अभी हम भरतपुर मिष्ठान भंडार के बाहर खड़े हैं। आपने बताया यहाँ का बिस्तर बंद करके मिठाई है जो फेमस है, चलेंगे अंदर, आइए। बिस्तर बंद, नाम कितना देखो इंटरेस्टिंग है ना, बिस्तर बंद। हाँ जी, हेलो भैया, नमस्ते, जय श्री माता। हाय, ये है बिस्तर बंद मिठाई? जी सर, ये बिस्तर बंद है। अच्छा, हमें देने से पहले आप ये बार बताइए है क्या चीज़? सर ये सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ प्रोडक्शन है, इसको करीब 80 साल हो गए, 80 साल में चौथी पीढ़ी हमारी आ गई है। इसको मलाई का जो लेयर होती है, दूध को बॉइल्ड करके मलाई की लेयर को छड़ाया जाता है, फिर उसके बाद इसके एक्सेस मावा जो होता है उसको स्टफिंग करके इसको काट के और रोल कर दिया जाता है इसको। यानी मलाई की लेयर के अंदर आपने मावा की स्टफिंग कर दी? जी, बिस्तर बंद। बिस्तर बंद तो मलाई की खुरचन? मलाई की खुरचन, दादाजी ने इसका नाम मलाई की खुरचन रखा था, पर आप जैसे कस्टमरों के द्वारा इसका नाम जो है कोई पलंग तोड़ बोलता है, कोई इसको बिस्तर बंद बोलता है, कोई बेड रोल बोलता है। वेरी गुड, तो हमने इसका नाम बिस्तर बंद रख दिया। फैंटास्टिक, तो आप हमें एक एक पीस दे दीजिए। जी जी बिल्कुल सर, ये लीजिए सर। ओ थैंक यू। वो सॉफ्ट है? हाँ जी सर। वाह, इसको डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं इसको, शुगर फ्री होता है। क्या स्वाद है सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये फॉरेन तक जाती है मिठाई। मैं बिलीव कर रहा हूँ, क्यों नहीं करूँगा। जब उसको, इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ सर, गर्मी में इसकी लाइफ 2 दिन की ड्यूरेबिलिटी रहती है। अच्छा, और ठंड में इसको अपन 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं बिना फ्रिज के। क्या टेस्ट है! और ये अंदर क्या है, शक्कर है क्या है? चीनी का रवा होता है, चीनी का बखर बना के उसको काफ़ी देर तक केड़ा करके फिर उसको रवा बना दिया जाता है उसको छान के। वाटर टेस्ट बहुत एक्सक्लूसिव टेस्ट है। एक बार के लिए मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी होगा, हैवी तो देखो है, इतना नहीं है। ऑब्वियसली कि मलाई है तो हैवी तो रहेगी। हाँ नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वो टेस्ट हमें इतना बढ़िया आ रहा है। और ये सर आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इस शॉप के। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन, मज़ा आ गया। भरतपुर मिष्ठान भंडार जहाँ पर हमने बिस्तर बंद खाया ना, उसके बगल में ही बंसल स्वीट्स है। अभी हम यहाँ पर आए हैं हम खाने के लिए रसमलाई। हमने रसमलाई ले भी ली है, लेकिन रसमलाई रसमलाई जैसी दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और खा रहे हैं, बर्फी जैसा कुछ लग रहा है। अत्युत्तम, जैसे केसर मावा टेस्टी है। तो रसमलाई आमतौर पर छैना करके बनाते हैं ना, दूसरा स्टाइल है इनकी दुकान। बहुत हम तो शुरू से देख रहे हैं, 50-60 साल पुरानी दुकान है। हाँ। और जिस तरह बिस्तर बंद को अपन भरतपुर का गौरव कह सकते हैं, ये भी भरतपुर की शान है। और ये रसमलाई बहुत खाएंगे, लेकिन ऐसी रसमलाई कैसे या कहीं नहीं मिलेगी आप। बहुत बढ़िया भाई साहब, वेरी गुड। इसका किलो का क्या रेट होता है? 460 रुपये किलो। अब देखो बरसात थम सी गई है, हमारा प्रोग्राम ये है कि लोहागढ़ फोर्ट जा रहे हैं। लोहागढ़ फोर्ट यहाँ से कितना देर के डिस्टेंस पर है? यहाँ से 300 मीटर नज़दीक ही है। 300 मीटर। तो लोहागढ़ फोर्ट में हम 1.25 घंटा बिताएंगे, फोर्ट देखेंगे, और उसके बाद अगर थोड़ी सी धूप निकल आई तो सेंचुरी चलेंगे, नहीं तो फिर सेंचुरी दोपहर के बाद चले जाएंगे। गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है, आइए गाड़ी पे। भरतपुर की शान है लोहागढ़ फोर्ट। सामने जैसे ये एंट्रेंस गेट है, ऐसे कितने गेट हैं यहाँ? ऐसे 2 गेट हैं, एक पूर्वी अष्टधातु का गेट, एक पश्चिमी गेट। अपन पूर्वी गेट से एंटर हो रहे हैं अभी। अच्छा, इधर से ना, आइए जी अंदर चलेंगे। हमने गाड़ी रोकी थी गेट को ऐसा सामने से देखने के लिए। जी आइए चलते हैं। लोहागढ़ फोर्ट के अंदर ही म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम जब हम पहुंचे ना, तो पता चला कि म्यूज़ियम के टाइमिंग्स हैं 12 बजे से 8 बजे तक। तो हम 1 घंटा बिफोर टाइम है, तो हम इस समय ना फोर्ट विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। रास्ता इधर से है? जी। तो ऊपर हमको क्या देखने को मिलेगा? जवाहर बुर्ज है ऊपर, और महाराजा जवाहर सिंह ने बनाई थी बुर्ज वो,
और उस बुर्ज से दिल्ली जो फतेह की थी भरतपुर महाराज ने, उस वक्त जवाहर बुर्ज बनाई थी और वहीं से दिल्ली उन्हें देखा करते थे। आप इसकी बनावट देख रहे हैं, ये नीचे इसकी बनावट, यहाँ हाथी चला करते थे। अच्छा जी। हाँ, पूरे हाथी सामान ले जा करते थे ऊपर, और ये छोटी ईंटें हैं, कखैया ईंट बोलते हैं इनको। अच्छा। इतनी मजबूत होती है, इनकी एज बहुत होती है। अच्छा, आज मौसम भी अच्छा हो गया ना। हाँ, बरसात के बाद काफी अच्छा लग रहा है। ये हम जवाहर बुर्ज आ गए, ये सामने जवाहर बुर्ज देख रहे हैं, अपन ऊपर जवाहर बुर्ज देखेंगे और कोशिश करते हैं वहाँ आपको पूरी भरतपुर महाराज की पीढ़ियाँ बताने की। अच्छा, ये लोहे के पिलर पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, महाराजा सूरजमल से लेके और जो ब्रज वर्तमान में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह है, उन तक का पूरा रिकॉर्ड है इसमें पूरा। वेरी गुड। ये लोहागढ़ अविजित क्यों रहा, क्यों नहीं कोई जीत पाया? क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ की बनावट इस तरह की बनी हुई है कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। इस किले की सामरिक स्थिति इस तरह की है कि चारों तरफ खाई है, जिसको सुजान गंगा बोलते हैं। सुजान गंगा महाराजा सुजान सिंह ने गंगा बनाई थी वो, और दो गेटें आने की, जैसे ही आक्रमण हुआ करता था तो ये गेट फोल्डेबल हुआ करते थे, जो पुल बना हुआ है उस पुल को समेट के अंदर कर लिया करते। अच्छा, जो खाई है वो पुल फोल्ड कर देते थे, तो कोई आ नहीं सकता। आइए सुजान गंगा देखते हैं, जो आपने बताया। जी जी। चारों तरफ किले की खाई है। जी। ये फोर्ट की बाउंड्री वॉल है ना? ये बाउंड्री वॉल है, इसके साथ बुर्ज लगी हुई है। ये बुर्ज वो बुर्ज है जहाँ पे तोप रखी रहती थी। यहाँ से आप म्यूजियम का व्यू देख लो, सामने म्यूजियम है, क्योंकि इस समय म्यूजियम बंद है, तो बेहतर रहेगा हम सेंचुरी चले। जी, अभी मौसम खुल गया है। खुल गया ना, सेंचुरी भी जाना ठीक होगा, टाइम अपने यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब वहाँ घूम के लौट के आएंगे तब तो लौट के आ सकते हैं, वापस आएंगे, ये बेहतर रहेगा। चलिए, सेंचुरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 4 किलोमीटर करीब। 4 ना? ठीक है ठीक है, आइए जी सेंचुरी को चलते हैं। ओके सर। केवला देव नेशनल पार्क हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने अपने लिए बाइसिकल हायर पे ले ली है, 150 रुपया पर बाइसिकल इसका चार्ज है, सुबह से लेके आप शाम तक चला सकते हो। अगर आप रिक्शे में सेंचुरी के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 150 रुपीज़ 1 आवर का। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और वैसे जो एंट्री चार्ज है वो 111 रुपये पर पर्सन। मैंने अंदर पूछा था, ये कह रहे हैं कि 6:30 बजे से सुबह, शाम को 4 बजे तक टिकट मिलती है। ठीक ठीक है, तो हम अंदर चलते हैं, बाकी रास्ते में जैसे बर्ड्स देखेंगे और आपसे समझेंगे। ठीक, आइए जी। यहाँ पर गाइड के चार्जेस क्या होते हैं? हाँ, यहाँ पे गाइड 250 रुपये पर आवर का होता है, और ये अप टू 10 पीपल, 10 पीपल का ग्रुप से ज़्यादा तो 400 रुपये पर आवर का गाइड मिलता है यहाँ। अच्छा। और गाइड काफ़ी एक्सपर्ट हैं और दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अच्छा। और यहाँ बाइनोकुलर भी मिलती है 100 रुपये पर आवर में, बर्ड्स को देखने के लिए। और उसके जितना इक्विप्ड आप होंगे ना, और जितना आपके साथ एक्सपर्ट लोग होंगे, उतना ही आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे बर्ड्स का। सही कह रहे हो, क्योंकि बर्ड्स हर आदमी नहीं जानता और उसको सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। एक चीज़ है, ऐसी एक्टिविटी में ना मौसम बहुत साथ दे तो मज़ा आता है। आज जैसे सुबह बारिश हो गई, आज मौसम साथ दे रहा है बहुत। अभी धीरे धीरे खुल भी रहा है ना। ग्रीन पिजन है, हिंदी में इसको हरियल बोलते हैं, ये डेंस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, गहरे जंगलों में, और काफ़ी खूबसूरत बर्ड्स होता है। पूरा नाम इसका है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। जैसे हम इस तरफ आ रहे थे ना जी, तो इसी पेड़ के ऊपर एक वल्चर भी देखा था मैंने। वल्चर देखा था, और वल्चर भी अभी दिखाएंगे, हालांकि वो प्रीनिंग कर रहा था, उड़ गया था, वापस मिल जाएगा। और अभी अपन साइकिल ही छोड़ेंगे, साइकिल छोड़ के अंदर उल्लू देखने चल रहे हैं अपन, है ना। ये दिख गए आपको? कहाँ है? उल्लू दिख गए क्या? कहाँ पर है बताओ? ये बैठे। अच्छा, ये दो तीन? दो बैठे, दो। ये स्पॉटेड ऑलेट है, इसको इसका जो बेसिक नाम है स्पॉटेड ऑलेट है। द बर्ड्स हु हैज स्पॉट ऑन द बॉडी। आप इसकी बॉडी भी देखेंगे, पूरे स्पॉट नजर आएंगे। अभी इन्होंने पफिंग किया हुआ है, पफिंग मीन्स ये फुला रखा है शरीर पूरा, पूरे पंख फुला रखे, तो इसलिए पफिंग करके बैठे हुए हैं। सर्दी में नॉर्मली बर्ड्स हैं वो पफिंग करके बैठते हैं। ये केवलादेव नेशनल पार्क का नक्शा है।
29 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है इसका, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर आगे मेन टेम्पल है, वहाँ मेन एरिया तक अपन को जाना है। और जैसे आधा किलोमीटर दूर जाएंगे स्वैम्प शुरू हो जाएगा, उस स्वैम्प में सारे बर्ड, वाटर बर्ड्स और दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले बर्ड्स मिलेंगे, उन एक एक बर्ड्स को देखेंगे, उनको आनंद लेंगे। ये इस पार्क की खूबी है। इस पार्क में ये जगह जगह नक्शे बनी हुई हैं, ट्रेल से 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये सारे एरिया में कहीं भी घूम सकता है। मांसाहारी जीव कोई भी नहीं है इसमें जो आप अटैक कर सकें, टाइगर वगैरह, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड नहीं है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। फैंटास्टिक। अभी अपन जो आ रहे हैं ये बोटिंग एरिया है, और यहाँ बोट खड़ी हुई है, ये केनाल जाएगा, आप आगे देखेंगे, ये केनाल लिंक करती है मेन लेक को। बर्ड्स का क्लोजर व्यू लेने के लिए बोट है, तो ये उसके लिए है, एरिया होता है 50 मिनट का पूरा, और उसके लिए एकदम सुबह आप सनराइज देख सकते हैं, इससे बर्ड्स का क्लोजर व्यू ले सकते हैं, उसके लिए बोटिंग होती है। जिनको बर्ड्स में बहुत रुचि होती है वो लोग तो 3-4 दिन के लिए जाते होंगे, 1 वीक एटलीस्ट 1 वीक। ये पानी का रंग इतना हरा क्यों दिख रहा है? इस पानी पे एक्वाटिक प्लांट्स है, एक वेजिटेशन है, वो तैर रही है, लेमना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेमना। अच्छा, लेमना इसका लैटिन नाम है, वैसे हिंदी में इसको कुमुदनी बोलते हैं, कुमुदनी या चांदनी। और ये डक्स का फूड होता है, ये हाईली प्रोटीन है इसमें, और ये इसको खाती है डक्स, इस पर रहती है, ये भोजन है उनका, फीड है। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ऐसे लग नहीं रहा कि पानी है। हाँ जी, है ना, ऐसा लग रहा है कोई जैसे फोटोशॉप हुई कोई इमेज देखते हैं ना। और ये एक्वाटिक प्लांट्स सारे सारे होते हैं जमीन में, इसमें पानी में, यही यहाँ की खूबसूरती है झीलों की। ब्यूटीफुल। ये सारी गैडवेल बर्ड है, गैडवेल है, माइग्रेट फ्रॉम यूरोप। आप देखिए इनका खाना खाने का तरीका देखिए, ये फोर साइड डाउन, यानी कि पानी की नीचे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको खाती है, ये वेजिटेरियन है। और आप देखो पूंछ ऊपर कर लेती हैं नीचे, और वो वेजिटेशन जो है उसको उखाड़ के उसको खाती है सारी। ये पिनटेल डक है, ये क्या बोलते हैं? पिनटेल, द बर्ड्स हु हैज अ टेल जस्ट लाइक पिन, पिन जैसी टेल है सबकी, देखो उनकी। और ये साइबेरिया से आती है, और ये वो चिड़िया है जो सबसे तेज स्पीड उड़ती है, विच फाइट एंड मेंटेन द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इन द एयर। 90 तो बहुत होता है। यस, 90 है ये। अच्छा, पीली चोंच वाला अडल्ट पेंटेड स्टॉक है, इसके पीछे आप देख रहे हैं 2 इसके बच्चे हैं, ठीक है। ये फीड लेके आते हैं उनको खाना, देखो पीछे वाले बच्चा उसे स्ट्रेच किया, वो अपने शरीर को एकदम फैला रहा है ना, वो दोनों बच्चे पीछे वाले। तो क्या फिश लेके आते हैं? ये छोटी छोटी फिश लेके अपने गले में, करीब 400 ग्राम के फिश अपने गले में भर के लेके आते हैं, और अपने बच्चों को आके वोमिट करा के उनको खिलाते हैं उनको। अच्छा, गले के अंदर ले लेते हैं? हाँ, अंदर ले आते हैं पूरे, और यहाँ आके वोमिट कर देते हैं। जैसे हम शुरू का 1.5 किलोमीटर पार करके अब आगे आए हैं ना, तो जगह जगह ये जो वाटर बॉडीज हैं, कहीं कैनाल है, कहीं छोटी सी झील है, ये सब देखकर ना इस जगह का चार्म बढ़ जाता है। हाँ, ये अगर ये नहीं हो तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए रामसर साइट में ये इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज है। ये वो सामने बैठा यूरोप का बर्ड, पीछे बैठा है वो गर्दन छुपा के बैठा है ना, वो शॉवलर है, ये शॉवलर है, और यूरोप से आता है। ग्रीन वाइट ब्राउन। हाँ, ग्रीन वाइट ब्राउन, ये आइए सर। तो आधा किलोमीटर जाने पे एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट, मेन पॉइंट आएगा। हाँ, वो ये मिल गया, ये खाना खिला रहा, देखो फीडिंग करा रहा। आजा आजा आजा, उनको ये फीडिंग कर रहे थे ना, अभी भी इस फीडिंग कर रहे हैं। ये स्नेक बर्ड है, ये सामने स्नेक बर्ड, इनको डार्टर भी बोलते हैं। इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर रहती है, गर्दन केवल एक बैठा बाहर रहती है। ये स्नेक बर्ड है, इससे पहले फीडिंग कर रहे थे वो पेंटेड स्टॉक और पेलिकन मिलके कर रहे थे, साथ में कॉर्मोरेंट थे। सामने वो पेलिकन है, ये पेलिकन है, सेंट्रल एशिया से आती है, जो वो 8-10 बेटा ग्रुप बैठी है, गुलाबी रंग की, वो ये पेलिकन है सारी वो। ये पौंड हेरोन है, हेरोन प्रजाति का सबसे छोटा पौंड हेरोन जिसको बोलते हैं, मैजिक बर्ड भी बोलते हैं इसको। वैसे एक बात है, बर्ड साइट सीइंग के लिए तो बड़ी प्यारी जगह है। एंट्री गेट से हम 5 किलोमीटर सीधा है टी पॉइंट तक, रास्ते में हमने कैफेटेरिया भी देखा, उसके बाद हमने लेफ्ट टर्न लिया और
लगभग 1 किलोमीटर आगे होंगे, 1 किलोमीटर आगे। हाँ। अब देखो एक पेड़ के ऊपर हम बैठे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ बताओ ये सब बर्ड्स के बारे में। ये पेंटेड स्टॉक सारे अडल्ट हैं, सारे अडल्ट पेंटेड स्टॉक ये फीडिंग करने आए हुए हैं। एक्चुअली सारे बर्ड्स हैं ना फीड जो करते हैं। अब देखो ये पेंटेड स्टॉक पानी के अंदर डुबकी नहीं लगा सकता, लेकिन फिश खाता है, क्योंकि ये सारे बर्ड्स एम्बुस लगाते हैं, यानी कि घात लगा के पेलिकन, पीछे पेलिकन जो बाहर से आते हैं वो, और कॉर्मोरेंट, ये सारे फिश को घेर के लाते हैं किनारे की तरफ। अच्छा, तो ये किनारे पे खड़े रहते हैं, ये खड़े रहते हैं, ईगलेट खड़े रहते हैं और हिरोन खड़ी रहती हैं। जो ये जो ऐसे बर्ड्स हैं फिश तो खाते हैं, लेकिन पानी में डूब नहीं सकते, तो वो फिश को घेर के किनारे की तरफ लाते हैं, तो वो भी फिश खाते हैं, ये भी फिश खाते हैं। तो ये वो जगह है, आप देखें ये पूरा कोना है और यहाँ से आगे एकदम ब्लॉक हो जाता है, ये पूरा लैंड है यहाँ का जो वाटर बॉडी है, तो यहाँ इकट्ठे होकर सारे फिश खाते हैं, तो इनका फिशिंग पॉइंट है, और रादर यू कैन से दिस इज इनका रेस्टोरेंट है ये। सही कह रहे हो। 15 से 20 मिनट हो गए हमको यहाँ पर बैठे हुए जी। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नेचर को कितने नजदीक से देख रहे हो। फुली पीस, एकदम शांति है, बहुत शांति है। ग्रेट, तो अब एक काम करते हैं जी, ऑलमोस्ट 2:45 का टाइम हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे वापसी बाहर की तरफ चले। ओके, अभी अपन बीच में एक दो बार रुकेंगे, जहाँ कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा रुकेंगे। यहाँ से कैफेटेरिया में आपको बैट दिखाऊंगा मैं, इंडियन फ्रूट बैट, काफी बड़ी बैट है, चमगादड़। अच्छा, वो दिखाएंगे आपको। चलो, बड़े फिसलन है यहाँ पे, जूते में मिट्टी देखो ऐसे चिपक गई है। नहीं, ये गोंद है ये। अच्छा, कैफेटेरिया में लंच करने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन चाय और बिस्कुट मैंने अपने लिए ले लिया है। शर्मा जी, आपको चाय अगर नहीं पीनी तो कोल्ड ड्रिंक ले लो। नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता। अच्छा। चाय भी नहीं लेता मैं। एंट्रेंस गेट से अभी हम लगभग 1 किलोमीटर पहले रुके हैं। यहाँ पर ना हमें बोर्ड दिखाई दिया, भरतपुर फॉरेस्ट लॉज, तो यहाँ पर रहने की सुविधा है। हाँ, रहने की सुविधा है यहाँ पे। अच्छा, रूम्स हैं यहाँ पे, एक बार चल के देख लेंगे। हाँ, आप चल देख सकते हैं। टैरिफ के बारे में पता लगाते हैं। हाँ, देख सकते, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर रुकना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ठीक बात है ना, मैं वैसे कभी रुका नहीं। रूम दिखा सकते हैं आप हमें, कहाँ पे? आइए जी, ऊपर की तरफ चलिए। अच्छा, सही है रूम तो जी। मतलब मेन जो बात है ना यहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, खिड़की खोलेंगे। जो ये है सेंचुरी के अंदर जाने का, रहने का जो मजा है ना जी, ये है। हाँ, मैं कभी भी, वाह क्या बात है। ये जो रूम हम देख रहे हैं, इसका टैरिफ आपने बताया 4,000+ टैक्स, तो सर ज्यादा ही, इससे कम टैरिफ में भी है? नहीं सर, ऑल रूम्स आर सेम, टैरिफ आल्सो सेम, 4,000 रुपीज, ऑल रूम्स आर स्टैंडर्ड रूम्स। तो टोटल कितने रूम्स हैं आपके? 18 रूम्स। अब हमारा देखिए प्रोग्राम अभी का कुछ ऐसा है, यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर करके हम बाहर मेन गेट चले जाएंगे, साइकिल रिटर्न करेंगे और फिर हम जाने वाले हैं अपना घर। अपना घर, अपना घर यहाँ से कितना दूर है? 7 किलोमीटर है। ठीक है, अपना घर समाज के लिए जो काम करता है, इसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा है या न्यूज़ में सुना होगा, और वो जगह मैं खुद जाके विजिट करके इस चीज को फर्स्ट हैंड देखना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। यहां से जाने से पहले मैं आपको सीरियसली बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने कीमती समय अपना दिया और बहुत अच्छे समय भरतपुर भी दिखाया और बर्ड सेंचुरी तो हम देख ही रहे हैं। आज की तारीख में आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन आपका। बेसिकली क्या, क्योंकि 40-42 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है बर्डिंग का, आजकल मैं जो हाईली बर्डिंग ग्रुप होते हैं, जो बर्डर्स होते हैं एक्सपीरियंस होल्डर, उनके लिए बर्डिंग घुमाता हूँ, बर्डिंग बर्ड दिखाता हूँ, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिखाता हूँ, और जो बर्डिंग फोटोग्राफी के जो एमेच्योर लोग हैं वो जहाँ आते हैं उनको इन्वाइट करता हूँ, यहाँ या लद्दाख, यहाँ लद्दाख में या आपका कहीं तालछापर में, जो सारी जगह, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया घूम चुका है इस बारे में, उनको मैं फोटोग्राफी सिखाता हूँ, उसमें फीस लेता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। तो यानी बेसिकली बर्डिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज आप करते हैं? बर्डिंग एंड नेचर फोटोग्राफी, और स्पेशली फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी एट अ लेवल, मतलब उनको मालूम है कि हमें क्या देखना है। क्या, एग्जैक्टली चलो
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, हमें लगभग 20-25 मिनट लगेंगे अपना घर पहुंचने में। हाँ, 20-25 मिनट लग जाएंगे। 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी जरूरत पड़े तो फिर आइए, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। हाँ, आपका नंबर मेरे पास है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसा आपने बताया कोई ग्रुप में आना चाहता है तो आप गाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी आना चाहता है, 1 में 2 में भी, पर वो थोड़ा उस लेवल का बर्डिंग नेचुरली आपको डीप इंटरेस्ट होना चाहिए। एक्जैक्टली एक्जैक्टली ठीक है, दोनों चीज़ों में, फोटोग्राफी बर्डिंग में। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू ऑल। थैंक्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम अपना घर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, मुझे यहाँ पर आए हुए आधा सा पौना घंटे का टाइम हो चुका है। डॉक्टर भारद्वाज हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो इनसे बात मेरी पिछले 15-20 मिनट से कंटिन्यूसली हो रही है और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना घर की शुरुआत कब हुई और आप कैसे आगे बढ़े और एग्जैक्टली आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अपना घर एक ऐसी विचारधारा है जिसे हम विभिन्न भाषाओं में लाचार, असहाय, बीमार, मनोरोगी, मंदबुद्धि, अनाथ लोग कहते हैं, उनकी सेवा को ही अपनी पूजा एवं आराधना समझती है। एक ऐसी विचारधारा है, कहीं पर भी कोई ऐसे होते हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, मांग के नहीं खा सकते, करके नहीं खा सकते, पड़े हुए हैं, घर वालों ने छोड़ दिए हैं, सरकार की उनके लिए कोई योजना नहीं है, तड़फ रहे हैं, कोई धार्मिक स्थल पर गुरुद्वारे के सामने पड़ा है, कोई मंदिर के सामने पड़ा है, कोई मस्जिद के सामने पड़ा है, कोई बस स्टैंड पर पड़ा है, और उनको एक उम्मीद है कोई मुझसे आके ये कहे कि मैं हूँ ना, तो जहाँ पर मैं हूँ ना बस इस काम को अपना घर करता है, उनको ले आता है और लाकर उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, खाना है, पीना है, भोजन है, दवाई है, विशेष रूप से अपनापन है। हम जो काम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट इनको यहाँ पे लाके भोजन और दवाई कराना नहीं होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है कि खुश कैसे रह सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। पूरे देश भर में 54 आश्रम हैं, जहाँ पर भवन मिल जाता है देश में, किसी भी स्टेट में कहीं पर भी मिल जाए वहाँ पर ही सेवाएं शुरू कर देते हैं। अपना घर का थॉट है कि कम से कम हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जिसको इस बात का एहसास हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई संभालने वाला नहीं है, उसको कभी ये एहसास ना हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसको ये एहसास हो मेरा एक अपना घर है, वहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे घर वालों ने छोड़ दिया, किसी ने मदद नहीं की, 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हों और वो फ्रीडम के साथ में अपना घर में आ सकें। इसी कॉन्सेप्ट का नाम अपना घर है। भरतपुर अपना घर में टीबी, एड्स, कैंसर, मनोरोगी, मनबुद्धि, जितनी बीमारी आप सोच सकते हैं, सभी बीमारियों के प्रभुजन हैं और सभी के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था हैं। और विशेष बात यहाँ की, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है, चंदा मांगने कोई जाता नहीं है, रोजाना 8.5 लाख रुपये खर्च होते हैं, ठाकुर जी को रोजाना लिखे जाते हैं, सुई से लेकर अंतिम संस्कार की सामग्री तक, भूमि, भवन, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को लिख दिया जाता है और ठाकुर जी आवश्यक रूप से जो लिखा जाता है उसको भेजते ही भेजते हैं। किसी कारण से अगर विलंब हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा काम में बेईमानी है, हमारा काम ईमानदारी का नहीं है और हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये ठाकुर जी का संकेत है, जब हम अपने काम को ठीक कर लेते हैं तो पूरी व्यवस्थाएँ हो जाती है। अभी मैं जब कैंपस देख रहा था और मैं कुछ वार्ड्स के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक दो लेडीज़ से बात करी मैंने, तो उन्होंने बताया कि जब हम आए थे यहाँ पे तो मानसिक तौर पे हम ठीक नहीं थे, लेकिन आज हम अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं। तो अब वो उन्होंने अपने घर वालों से बात करी है कि हम आपके घर आना चाहते हैं, मतलब वापस अपने घर आना चाहते हैं। तो ऐसे में जब उनके परिवार के लोग उनको लेने आते हैं तब वो जाते हैं या आप भी उनको भेज देते हैं सामने से? हाँ, यहाँ पे एक इसके लिए पुनर्वास सेल है, जैसे ही प्रभु जी अपना पता बताने शुरू कर देते हैं तो उनके पते को सर्च करते हैं,
सर्च करके उनके घर तक पहुंच जाते हैं, सूचना दे देते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उनको हैंडओवर कर देते हैं। ये यहाँ की एक प्रक्रिया है। अब तक 23,500 प्रभुजनों को पूरे देश में भेज चुके हैं। देश का ऐसा कोई जिला नहीं होगा कि जहाँ पर अपना घर ने ठीक करके प्रभुजनों को न भेजा हो। जो डॉक्टर्स हैं, जो इन हाउस डॉक्टर्स हैं या केवल विजिटिंग फैकल्टी होती है जो आते हैं और चले जाते हैं? कुल यहाँ पर 19 डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर रहते हैं और कुछ बाहर से आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं अपने हिसाब से, जैसे उनके पास समय होता है या यहाँ पर जब जरूरत होती है, जब कॉल कर लिया जाता है और डॉक्टर्स आ जाते हैं। और बाई चांस 1% यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती तो यहाँ पर 34 एम्बुलेंस और दूसरे वाहन हैं इन्हीं की सेवा में, तो किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं से भी ला सकते हैं। पूरी व्यवस्थाएं, सिस्टम अपने आप काम करता है। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहता है इनको समय पर ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर यहाँ पर आए अथवा हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। हाँ, यहाँ पर जीव सेवा गृह है, कोई भी जीव कहीं पर भी मिलता है तो 50 किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस जाती हैं, 2 एनिमल एम्बुलेंसेज हैं, वो जाती हैं और सभी को ले आती हैं, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर। टोटल ये कह सकते हैं कि जो भी जीव है हर जीव की यहाँ पर सेवा होती है। तो ऐसा भी सिचुएशन होती है, क्योंकि आपका जो डेली खर्चा आपने बताया पूरे सेटअप को रन करने का 54 आश्रम के अंदर, वो 7.5 लाख डेली है जैसा आपने? 8.5 तो अच्छा, इसी एक आश्रम का है, बाकी और सेंटर का सबका अलग अलग है। अच्छा, 8.5 लाख केवल इस आश्रम का खर्चा है? इस सेंटर का है, एक सेंटर का खर्चा है केवल। तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो ऐसे ऐसे में क्योंकि आप इस सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन निकल आता है जैसे आपने बताया कि सच्चाई तो यह है, सेवा के लिए संसाधनों की, पैसे की तो आवश्यकता होती ही नहीं है, सेवा के लिए भाव की आवश्यकता है। जैसे सेवा करने वाले या संस्थाओं वाले ये देखते हैं ना कि कौन पैसा दे सकता है, वैसे ही केवल राजस्थान या हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया भर से लोग ऐसे हैं, वो देखते हैं कि जेन्युइन वर्क कहाँ है, वो ढूंढ रहे हैं अच्छे काम करने वालों को, ठाकुर जी का काम करने वालों को वो ढूंढ के आ जाते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है। और हर आदमी चाहता है कि मेरा पैसा ऐसी जगह लगे जहाँ पर सच्चाई है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, और हम सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। दुनिया में एक सर्वे हो ना कि मोस्ट इकोनॉमी सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहला नाम अपना घर का आएगा। इसी लेवल पर जाके हम लोग काम करते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए बहुत गंभीर बीमारी थी, वो ठीक नहीं हुई, तो फिर कैसे होता है? अभी भी औसतन यहाँ पर 2.5 डेथ का एवरेज पर डे का आता है। अच्छा, औसतन 75 प्रभुजन का शरीर पूरा होता है। अभी 2 प्रभुजन तो एक वृंदावन से लिए थे और एक हरियाणा साइड से लेके आ रहे थे कोसी से, दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, इतनी गंभीर स्थिति में आते हैं। तो यहाँ पर हम जिस धर्म से होते हैं पता चल जाता है, उसी के अनुरूप उनका अंतिम विदाई उनको दे देते हैं। इसकी एक लीगल फॉर्मेलिटी है, जाहिर है वो तो करनी पड़ती होगी, लीगल फॉर्मेलिटी के साथ करते हैं, पुलिस को सूचना देना है, उनका पंचनामा भरवाना है, लीगल फॉर्मेलिटी के साथ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, और सबसे मेन बेहतर बात क्या लगी मेरे को कि आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने लिए नहीं सोचते, सोसाइटी के लिए सोचते, और उसमें भी वो उन लोगों के लिए सोचते जिनका कोई भी नहीं है, मतलब उनका सहारा बनने की कोशिश ये इंस्टीट्यूट कर रहा है जिनका सहारा एक्चुअल में कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसे मैं सरल से शब्दों में ऐसा मुझे लगा, इस बात की मेरे को खुशी है कि मैं यहाँ पर आया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अपना घर से भरतपुर होते हुए हम 1.25 घंटे में मथुरा पहुँचे, हाईवे से दिल्ली के लिए टर्न लिया, 1 घंटे का और सफ़र किया। अभी रात के 10:15 बजे हैं। डिनर करने के लिए मैं एक रैंडम रेस्टोरेंट में रुका हूँ, इसका नाम सुखदेव है, यहाँ पर डिनर करके थोड़ी देर में चलेंगे। रात को घर पहुँचते पहुँचते ज़्यादा 1 बज जाएगा। एक बार आप हाईवे भी देख लीजिए, गाड़ियाँ ट्रक 70-80 किलोमीटर की स्पीड में कंटिन्यूसली चल रही हैं। ये ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा रहा। पिछले 5 साल में जब से हमने वीज़ा टू एक्सप्लोर की शुरुआत करी है, कभी भी मैंने कोई डेस्टिनेशन 2 दिन में विजिट नहीं किया, जैसा अभी इसमें हुआ ना कि कल हम भरतपुर आए और आज भरतपुर से वापस जा रहे हैं। ये पहली बार है इतना शॉर्ट टूर, आमतौर पर आप जानते हैं हमारे टूर लंबे होते हैं। आपको मैं यहीं पर बाय बाय कर रहा हूँ। अगले डेस्टिनेशन के बारे में मैंने 100% डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में छत्तीसगढ़ है।
बाकी देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में मैं वो भी फाइनल कर लूँगा। अभी के लिए आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।